IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है प। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम प से पिंकू। बच्चों नमस्ते नमस्ते। क्या हो रहा था भाई है? अरे बैठ जाओ, खड़े क्यों बैठ जाओ, शाबाश। अच्छा तुम पीछे हो जाओ, थोड़ा सा हो जाओ पीछे। हाँ तो एक काम करते हैं, कौन? अब सब ऐसे ही गोल घेरे में बैठ जाओ। हाँ, और वंशिका थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ, और तुम इस तरफ। अरे मैं थी जब यहाँ, मैं बैठूंगा। हाँ, ये ही ना बात। अब तुम सब गोल घेरे में कितने अच्छे बच्चे लग रहे हो। सभी आ गए, अब तो कोई प से पीछे नहीं है ना, प से पीछे। पासे पानी भैया, पासे पत्थर। पासे पत्थर, क्या बात है, वाह भैया, बहुत बढ़िया वंश। पेट, पासे पेट, अरे वाह पेट। बहुत बढ़िया। ये तो अच्छा बताया भाई निशांत ने, पासे पेट। तो पेट पूजा भी तो करनी है ना, है कहानी के बाद। भैया मुझे पपीता बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह क्या बात है, तो ठीक है आज हम आपको पा की ही कहानी सुनाएंगे। तो भाई आज मेरी कहानी का नाम है पा से पिंकू। शाबाश भैया, ये पिंकू कौन था? पिंकू, पिंकू था एक बंदर। बच्चों पिंकू एक पेड़ पर रहता था, मतलब ये कि उस पेड़ पर पिंकू का घर था। वहां उसके साथ उसके मम्मी पापा भी रहते थे। पा से पिंकू, पा से पापा और पासे शाबाश। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा परिवार यही था पासे परिवार। शाबाश। तीनों बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, मम्मी बंदर भी डॉक्टर, पापा बंदर भी डॉक्टर। बुखार होने पर पापा डॉक्टर इलाज करते, हाँ तो चोट लगने पर मम्मी डॉक्टर दवा लगाती। इंजेक्शन भी लगाते थे अगर जरूरत होती तो, उसे इंजेक्शन भी लगाते थे। मैं तो इंजेक्शन से बिल्कुल भी नहीं डरती। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बजाओ उसी बात पर ताली। अरे वाह, मैं तो कड़वी दवा भी पी लेती हूँ। वाह, पासे पीना, पासे पी लेती, पी पासे प्यासा, पानी पासे पानी, पासे पहाड़, पासे पत्थर, पासे पन्नी, पासे पन्नी। शाबाश शाबाश। भैया पापा मम्मी तो डॉक्टर थे, पर पिंकू कौन था? पिंकू बंदर पंसारी था। पंसारी, हाँ पंसारी, पासे पंसारी। अच्छा बच्चों जानते हो पंसारी होता कौन है, क्या करता है वो? दाल चावल बेचता है। हाँ, दाल चावल, गेहूँ, घी, मसाले और भी बहुत कुछ। वो टॉफी भी बेचता है। हाँ, हमारे घर के पास है। कौन? पिंकू बंदर पंसारी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो बच्चों एक बात बताऊं, पिंकू बंदर पंसारी तो था ही, लेकिन साथ ही साथ दूध, फल, सब्जी भी बेचता था। भैया मेरा अबू भी तरकारी बेचते हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, तरकारी यानी सब्जी। तो महमूद के लिए हो जाए जोरदार तालियां, शाबाश। बताओ पिंकू बंदर क्या क्या बेचता था वो? आलू, भिंडी, गाजर। आलू, गोभी, भिंडी, गाजर, मटर, पालक, मटर, पालक। हाँ, पासे पालक, पपीता, पासे पपीता, पनीर, पासे पनीर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, पालक पनीर किसको सबसे अच्छे लगते हैं? अरे वाह। तो बच्चों पिंकू जो था वो बहुत पढ़ा लिखा था, उसने भी बहुत पढ़ाई कर रखी थी। भैया पासे पढ़ाई। हाँ पासे पढ़ाई। उसे दुकान पर सामान बेचना बहुत पसंद था, इसीलिए वो ये काम करता था। पासे पसंद, पासे पसंद, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। भैया मुझे भी दुकान खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी व्यापार खेलना बहुत पसंद है। वाह पासे पसंद, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बच्चों इसी तरह पिंकू भी अपनी पसंद का काम करता था। लेकिन बच्चों भालू दादा और उनके जो पोता पोती थे ना, पासे पोता पोती, शाबाश। तो बच्चों भालू दादा और उनके पोता पोती को
ये बात पसंद नहीं थी कि पिंकू बंदर इतना ज्यादा पढ़ लिख कर दुकान पर पंसारी का काम करे, सामान बेचे, समझे? तो जानते हो एक बार क्या हुआ? एक बार भालू दादा ने पिंकू से कहा, पिंकू, अरे ओ पिंकू, पिंकू बेटा, तुम इतना पढ़ लिख कर ये काम करते हो, हा? अगर तुम भी टीचर, डॉक्टर, वकील बन जाते तो कितना अच्छा होता, हा? पायलट, पायलट। पासे पायलट, वाह क्या बात है, पासे पायलट, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, भालू दादा ने आगे कहा, तुम देखो पिंकू, तुम भी अगर कुछ बन जाते अपने मम्मी पापा की तरह तो तुम्हारी भी कितनी इज्जत होती, हैं? जैसे तुम्हारे मम्मी पापा की है, हैं? पर बच्चों, पिंकू कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो जानता था कि मम्मी पापा ने उसे बताया था, देखो बेटा, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए पिंकू बेटा, तुम्हें जो कुछ पसंद हो वही करना। और पिंकू बंदर की मम्मी ने कहा, अरे बेटा, ये पापा ने जो तुम्हें कहा ना, वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बस जो भी काम करो उसे पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करना। पासे परिश्रम, पासे पूरी, पराठा, अरे वाह वाह वाह, पासे पार्टी, पेट पूजा। मेरे फ्रेंड का नाम पूजा, अरे वाह क्या बात है पूजा, पासे पेंसिल, अरे वाह वाह वाह, पासे पेन। भैया आगे कहानी तो सुनाओ। हाँ हाँ, सुनाता हूँ। तो बच्चों, पिंकू अपने दुकान पर दालें, अनाज, फल, सब्जी, दूध, दही सब तो बेचता ही था, साथ ही साथ वो अपने सभी दोस्तों को अपनी पुस्तक से पढ़ पढ़ कर कथा कहानी भी सुनाता था। पासे पुस्तक, हाँ। तो ये बताओ बच्चों, पिंकू के कितने दोस्त थे? 10, बस 12, 12, 16, 16, 20, 20, 3, 3, ये 40, 40, नहीं बच्चों, नहीं, उसके दोस्त थे पूरे 75। हाँ, 75, ये तो मेला लग गया। हाँ, मेला लग गया भाई, इतने सारे, तो बारात आ गई। अरे ये तो बहुत सारी भीड़ हो गई। हाँ, बारात आ गई, भीड़ हो गई। भाई पिंकू था इतना अच्छा, हाँ, इतना प्यारा कि सब उसके दोस्त बन जाते थे। एक बार पता है क्या हुआ? क्या हुआ भैया? भाई नदी के पार एक जंगल था, तो नदी के पार वाले जंगल में एक बार आग लग गई। हाँ, आग, सारे पशु पक्षी परेशान होकर, दुखी होकर, घबरा कर भागे पिंकू जी के पास। हाँ, अरे चलो भाई चलो, अरे आग लग गई आग, अरे पिंकू के पास चलो, वो बहुत अच्छा है। हाँ, वही चलते हैं भैया, वही चलते हैं, चलो चलो, हाँ चलो चलो। तो पिंकू ने देखा कि सारे पशु पक्षी घबराए हुए हैं और परेशान हैं, तो पिंकू ने सबको प्यार से बिठाया, पीने के लिए उन्हें ठंडा पानी दिया। लो लो, पानी पियो, पानी पियो, बकरी मौसी, लो ना, तुम ही पियो पानी। प से पशु, प से पक्षी, प से परेशान, प से पंछी, शाबाश, प से पतीला, प से पतली, प से पतला, प से प्यार, प से परवरिश। भाई महमूद ने कितना सही बताया, शाबाश बच्चों, शाबाश। हाँ, तो पिंकू ने सबको प्यार से बिठाया, प्यार से ठंडा पानी पिलाया, कूलर के आगे बिठाया, वाह, कूलर के आगे बिठाया, वाह। फिर पिंकू ने अपनी दुकान की सारी चीजों से पकवान बनवाया, पासे पकवान, पासे पकवान, हाँ बिल्कुल सही, और बड़े सम्मान से सबको खिलाया पिलाया। अच्छा बच्चों, पासे पिंकू बंदर ने उन्हें क्या क्या खिलाया पिलाया होगा, ये सोच के बताओ। पासे पकौड़ा, हाँ पकौड़ा भी बनाया, पासे पापड़ भी खिलाया, पासे पालक, क्या बात है, पासे पनीर, पासे पनीर, पासे पराठा, पासे पराठा, क्या बात है, दही के साथ खिलाया उसने, पनीर के पराठे भैया, क्या बात है, पासे पास्ता, पासे पोहा, पासे पोहा, पासे पालक, पासे पनीर, पासे पूरी, आलू का पराठा, पराठा, आलू का पराठा, पासे पराठा। और पता है बच्चों, अगर कोई खाने में शर्माता था तो पिंकू उन्हें प्यार से डांटता। अरे अरे, तुम लोग कितने थके हुए हो, हैं? भूखे प्यासे लग रहे हो,
अरे इतना सा खाओगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ लो पनीर, लो पनीर। अरे अरे तुम भी लो ना। अरे पूरी खा लो। अचानक पिंकू की नजर किसी पर पड़ी जिसे चोट लगी हुई थी, जो घायल था। अरे ये क्या, अरे खरगोश भैया तुम्हें तो चोट लगी है, मैं अपनी मम्मी को बुलाता हूँ। मम्मी देखो ना, खरगोश भैया का पैर जख्मी हो गया है, इस पर दवा लगा कर पट्टी कर दो ना। लाओ लाओ दिखाओ दिखाओ चोट लगी। पांडी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब उसका दर्द दूर हो गया और वो चलने लग गया। चोट भी ठीक हुई। हाँ अब उसका दर्द दूर हो गया, वो चलने लग गया, चोट भी ठीक हो गई थी, तो पास ये पट्टी। भैया फिर जंगल की आग का क्या हुआ? फिर अरे फिर बादल गरजे, बिजली कड़की और फिर आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश भी रुक जाती और आग बुझ गई। हाँ आग बुझ गई, सब बहुत खुश हुए। पूरे जंगल में पिंकू की इज्जत और भी बढ़ गई और सबको ये बात समझ में आ गई थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इज्जत प्यार देने से होती है, भलाई करने से होती है, दोस्ती से होती है, ईमानदारी से होती है, है ना? अब तो पिंकू सबका प्यारा बन गया था और सभी जानवर खुशी खुशी अपने जंगल वापस लौट गए। लेकिन जंगल लौटने से पहले जानते हो क्या किया? क्या किया? सबने पिंकू को अपने कंधे पर उठा लिया और घुमाने लगे उसे पूरे जंगल में। पिंकू भैया, पिंकू भैया, पिंकू भैया, पिंकू भैया, सबका प्यारा पिंकू भैया, सबका प्यारा पिंकू भैया, पिंकू भैया, पिंकू भैया, पिंकू भैया, पिंकू भैया, सबका प्यारा पिंकू भैया, सबका प्यारा पिंकू भैया। मम्मी पापा डॉक्टर थे पर पिंकू था पंसारी, दाल मसाले चावल गेहूं और बेचे तरकारी। पासे पापा पासे पिंकू और पासे पंसारी, पासे पापा पासे पिंकू और पासे पंसारी। डॉक्टर टीचर होते तुम तो कितनी इज्जत होती, प्यारे पिंकू के पास आते दोस्त सभी 75। पिंकू कथा सुनाता उनको पुस्तक से पढ़ पढ़ कर, पासे प्यारे पोता पोती पिंकू पढ़ पढ़ और 75, पासे प्यारे पोता पोती पिंकू पढ़ पढ़ और 75। एक दिन पार नदी के दूसरे वन में लग गई आग, सब पशु पक्षी भाग आए पिंकू जी के पास। पासे पार पासे पिंकू पशु पक्षी और पास, पासे पार पासे पिंकू पशु पक्षी और पास। पिंकू ने तब बड़े प्यार से सबका कर सम्मान, दावत दी दुकान की चीजों से बना पकवान। पासे प्यार पासे पिंकू और पासे पकवान, पासे प्यार पासे पिंकू और पासे पकवान। शर्मा कर कोई न ले उनको डांटे, थकी हो मौसी खा लो ना, ये लो आप भी लो पालक पूरी ले लो। देता पालक पूरी पापड़ और पनीर पराठे, पासे पिंकू पालक पूरी पापड़ और पनीर पराठे, पासे पिंकू पालक पूरी पापड़ और पनीर पराठे।
जख्मी जानवरों को चैन बहुत अब आया। सबने मिल कंधे पर ले पिंकू को खूब घुमाया। काम न कोई छोटा होता सबको समझ आया। खूब हुई इज्जत पिंकू की पिंकू भी इतराया। खूब हुई इज्जत पिंकू की पिंकू भी इतराया। पासे पिंकू सबका प्यारा, पासे पिंकू सबका प्यारा, पासे पिंकू सबका प्यारा, पासे पिंकू सबका प्यारा। पिंकू भैया, पिंकू भैया, पिंकू भैया, पिंकू भैया। पासे पिंकू। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, चारू, नीरू, मौलिक, हृदय और महमूद। संगीतकार हरभजन सिंह। गायन स्वर नेहा, रक्षित, आभा, मेघा, खुशबू, कंचन, ममता और आरुषि। ध्वनिंकन पटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम। आलेख, गीत, निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।